एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें हीरालाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। हीरालाल पेशे से एक व्यापारी था। आशा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में समय लग जाएगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होके जाइए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हीरालाल अपना काम खत्म करके घर के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। जब इसकी खबर हीरालाल के घर तक पहुंचती है तो उसके घर में मातम छा जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया जी? मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? अब क्या होगा हम दोनों का? कौन ध्यान रखेगा? हीरालाल के मौत के बाद आशा भी बहुत बीमार हो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं पर आशा की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। इससे उसकी बेटी शिखा बहुत परेशान रहती है। माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ ना, मुझसे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बेटी, लगता है मैं और ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे मरने के बाद तुम अपनी चाची के पास चली जाना। नहीं माँ, ऐसे मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा। आखिरकार एक दिन इलाज के दौरान आशा की मृत्यु हो जाती है। जिससे उसकी बेटी शिखा पूरी तरह टूट जाती है। उसी समय उसके चाचा चाची उसके पास आते हैं और उसे वहां से अपने साथ ले जाते हैं। शिखा के चाचा चाची की एक बेटी थी, उसका नाम था सोना। शुरू शुरू में उसके चाचा चाची उसे बहुत मानते थे, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ दिन बाद उसकी चाची शिखा पे बहुत अत्याचार करने लगी, घर का सारा काम कराने लगी। चाची, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाई। कल मुही जब देखो खाने की बात करती है, जाओ पहले बर्तन साफ करो। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे, तुम्हें भूख लगी है? शिखा, जाओ और सोना के लिए खाना गरम करके लाओ। अभी लाती हूँ चाची जी। सोना बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ला दूंगी। हाँ माँ, मुझे नेल पॉलिश चाहिए, मुझे बहुत सारी रंग बिरंगी नेल पॉलिश ला देना। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। शिखा को भी नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद था। उसके मन में बात उठ रही थी कि वह अपने चाची को नेल पॉलिश लाने के लिए कहे। शिखा डरते डरते अपनी चाची से कहती है, चाची जी, मुझे भी नेल पॉलिश चाहिए, मुझे भी ला दीजिएगा। क्या कहा, तुम्हें भी नेल पॉलिश चाहिए? शकल देखी है अपनी, नेल पॉलिश लगाएगी, चलो जाओ अपना काम करो। शिखा अपनी चाची की बात सुनकर बहुत रोने लगती है और अपनी माँ की फोटो के पास जाकर कहने लगती है, माँ, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? चाची मुझसे सारा काम कराती है और मुझ पे बहुत अत्याचार भी करती है, मुझे खाना तक नहीं देती है। तभी शिखा की माँ की फोटो से एक आवाज आती है, शिखा बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दे रही हूँ, इसे लगाने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। इसके बाद शिखा अपने पुराने घर आ जाती है अपने जादुई नेल पॉलिश के साथ। शिखा वह नेल पॉलिश लगाती है और वह अपने लिए जो भी मांगती है उसे वह मिल जाता है। अब वह खुशी खुशी रहने लगती है और जरूरतमंदों की मदद भी किया करती है।